अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 17 है आपकी विनर हार्ले की फिफ्थ एडिशन का, हेमी कॉर्डेटा एंड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। ठीक है, तो इससे पहले हम फाइलम मकाइन ट्रमिटर को रीड कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये लेक्चर आउटकम आपको नजर आ रही है। सबसे पहले हम जो हेमी कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को स्टडी करेंगे। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इनकी एवोल्यूशन किस पीरियड में हुई थी, किन से हुई थी। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे इनका क्या ताल्लुक है। देन हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, पहले हम हेमिकॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिर कॉर्डेट्स की। देन वी विल स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, उसका एक ओवरव्यू लेंगे हेमिकॉर्डेटा के जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो कौन से हैं, और लास्ट में क्लासिफिकेशन देखेंगे हेमिकॉर्डेटा की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की। तो जो मेरीन ड्यूट्रोस्टोम एनिमल है, जनरली दे आर कंसीडर्ड एज द सिस्टर ग्रुप ऑफ इकाइनोडर्म्स। ठीक है, जो मेरीन ड्यूट्रोस्टोम है, दे आर कंसीडर्ड एज द सिस्टर ग्रुप ऑफ इकाइनोडर्म्स। आप जानते हो कि इकाइनोडर्म्स जो ना वो ड्यूट्रोस्टोम है। ठीक है, और इकाइनोडर्म्स के बाद जो हेमिकॉर्डेट्स की एवोल्यूशन हुई, फिर कॉर्डेट्स आए, ये भी ड्यूट्रोस्टोम है। तो साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो मेरीन ड्यूट्रोस्टोम एनिमल है, दे आर जनरली कंसीडर्ड एज द सिस्टर ग्रुप ऑफ इकाइनोडर्म्स। एंड दीज मेरीन ड्यूट्रोस्टोम, इन्हीं से आगे चल के फिर जो ना वो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की एवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, और ये जो मेरीन ड्यूट्रोस्टोम है, दीज बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये काइनोडर्म्स का ही सिस्टर ग्रुप कंसीडर होता है, एंड दे वर अपीयर्ड इन द लोअर और मिडल कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, और ये जो एनिमल्स थे, दीज वर वर्म लाइक बोरिंग एनिमल, वर्म लाइक बोरिंग एनिमल्स, एंड सम हेमिकॉर्डेट्स दे क्लिंग टू रॉक्स एक्सपोज्ड बाय लो टाइड। लो टाइड से जो रॉक्स एक्सपोज होती हैं, सम हेमिकॉर्डेट्स जो ना उसके साथ क्लिंग कर जाते हैं, एंड दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल। सोलिटरी कहते हैं जो एनिमल अकेले रहते हैं, सोलिटरी जो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। देन इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, दे मे शेयर अ कॉमन अनडिस्कवर्ड एंसेस्टर। पेलियंटोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये जो काइनोडर्म्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स और जो कॉर्डेट्स हैं, इन तीनों का हो सकता है सेम एंसेस्टर हो। ठीक है, लेकिन ये एंसेस्टर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, दैट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। लेकिन अगर ये डिस्कवर हो जाता है, तो ये लाजमी तौर पे ये एंसेस्टर जो था ना, दैट वाज ड्यूट्रोस्टोम, एंसेस्टर वाज ड्यूट्रोस्टोम, और ये जो एंसेस्टर है, दैट मे बी डिप्लोब्लास्टिक और इट मे बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ऑप्शन है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है। देन देयर आर फोर मेन डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। ये फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो स्क्रीन में नजर आ रही हैं, ये कॉर्डेट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉर्डेट्स में होना बहुत जरूरी है। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ भी हो सकती हैं, या लाइफ के दौरान डिफरेंट जो लाइफ स्पैन होते हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होती हैं और फिर बाद में डिसअपीयर भी हो सकती हैं। इसमें नंबर वन जो है, दैट इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड पे एक ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है। देन इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। थर्ड इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको गिल पाउचेस भी कहते हैं। एंड फोर्थ इज द पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल होती है, पोस्ट एनल टेल। ये अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर कॉर्डेट्स, तो ये फोर पॉइंट्स कॉर्डेट्स की डेफिनेशन है कि दीज आर द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड द लास्ट इज द पोस्ट एनल टेल।
तो दिस वाज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें मेन फोकस आपका यही होगा कि जो गाइनोडर्म्स हैं, हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हैं, दे शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री, और इनका जो एंसेस्टर है दैट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। देन इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हवाले से थोड़ा सा इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बड़ा ग्रुप है, आपकी आसानी के लिए मैंने स्लाइड्स में इनको अलग अलग कर दिया है। तो जो हेमीकॉर्डेट फाइलम है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। फर्स्ट इज द क्लास एंटीरोन्यूस्टा, पी साइलेंट है, इसको आपने पढ़ना है, क्लास एंटीरोन्यूस्टा। सेकंड इज द क्लास टीरोब्रैंकिया, पी साइलेंट, टीरोब्रैंकिया। थर्ड इज द क्लास प्लैंक्टोस्फीरोइडिया, क्लास प्लैंक्टोस्फीरोइडिया। थ्री क्लासेस, एंटीरोन्यूस्टा, टीरोब्रैंकिया एंड थर्ड इज द प्लैंक्टोस्फीरोइडिया। ठीक है जी। तो उसके बाद जो फाइलम कॉर्डेट है जिसको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स टाइटल में हमने पढ़ा था, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला। यहाँ पे थ्री सब फाइला होना चाहिए। तो तीन सब फाइला है। नंबर वन इज द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज द सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 17 है, इसमें हम इसी की डिटेल को हमने पढ़ना है। ये आपके चैप्टर की आउटलाइन है। पहले हम क्लास एंटीरोन्यूस्टा को देखेंगे, फिर टीरोब्रैंकिया और फिर प्लैंक्टोस्फीरोइडिया और फिर कॉर्डेट्स की जब बारी आएगी, वो भी इसी चैप्टर में डिस्कस हुआ हुआ है। तो कॉर्डेट्स में पहले हमारे पास सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आएगा, फिर स्फेलोकॉर्डेटा और फिर जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ना, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर 18 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप कह लें कि ये यहाँ एंटीरोन्यूस्टा से लेके स्फेलोकॉर्डेटा तक ये आपका इसी चैप्टर नंबर 17 में स्टडी होगा। और ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसमें आपके आगे चैप्टर आ जाएंगे जिसमें फिशीज होंगी, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये चैप्टर आपके होंगे। और यही आपका बीएस का आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। ठीक है। तो अब ये जो आपको बताया यहाँ पे जो कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा, ये इतने डाइवर्स ग्रुप नहीं है, लेकिन ये सबसे जो डाइवर्स ग्रुप है दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। एक चीज याद रखिएगा, आपको यहाँ पे मैं जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये आपकी मिलन हार्ले जो आपकी जूलॉजी की टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंगली है। अगर हम लेटेस्ट क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें कुछ चेंजेस आ चुकी हैं, लेकिन चूंकि हमने इसी को आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये रिकमेंड है ये बुक, इसलिए हमने इसी को फॉलो करना है। तो उसी लिए आपको मैं इसी से बता रहा हूँ। तो 8 क्लासेस हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। नंबर वन इज द क्लास स्फेलोस्फीडोमॉर्फी, क्लास मिग्जीनी, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, क्लास ऑस्टिक्थीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज एंड लास्ट इज द क्लास ममेलिया। ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट टू क्लासेस हैं, दीज अप टू मैग्जीनी एंड स्फेलोस्फीडोमॉर्फी, दीज आर द जॉलेस फिशेस, दीज आर द जॉलेस फिशेस। कॉन्ड्रिक्थीज जो है, दीज आर द कार्टिलेजनस फिशेस। और ऑस्टिक्थीज जो है, दीज आर द बोनी फिशेज। एम्फीबिया, ये भी एक चैप्टर आएगा जिसमें फ्रॉग टॉड शामिल है। रेप्टिलिया, क्रॉलिंग एनिमल्स है जिसमें स्नेक, लिजर्ड शामिल है। क्लास एवीज जो है, एवीज बर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, इसमें बर्ड्स आ जाएंगे, ममेलिया। तो ये आपका जो अलग अलग चैप्टर आ जाएगा, यानी जो ये चैप्टर नंबर 17 को स्टडी करने के बाद हम ये स्फेलोस्फीडोमॉर्फी, मैग्जीनी, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, ये फिशेज के चैप्टर में आएगा। एम्फीबिया का अलग चैप्टर है, रेप्टिलिया का अलग चैप्टर है, एवीज का और इस तरह मैमल का, इनका भी अलग अलग चैप्टर है। तो ये आपके पूरे का पूरा ममेलिया तक सेमेस्टर 2 का सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये बताने का मकसद आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताना था। हेमीकॉर्डेट्स की तीन क्लासेस हैं, टीरोन्यूस्टा, टीरोब्रैंकिया, प्लैंक्टोस्फीरोइडिया,
इस तरह कॉर्डेटा की भी तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, स्वेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर आपको यहाँ पे मैंने वर्टिब्रेट्स की 8 क्लासेज जो बताई। अब हम चूंकि चैप्टर का टाइटल था हेमिकॉर्डेटा एंड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, तो हम चैप्टर का स्टार्ट लेंगे हेमिकॉर्डेटा से। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली आप जानते हैं कंप्लीटली को कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। दे हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। Body is divided into three parts. इसमें number one है proboscis, इसकी detail आगे आएगी, लेकिन proboscis को अगर हम translate करना चाहें तो उसको उर्दू में सूंड कहते हैं, सूंड, जिस तरह हाथी की सूंड होती है, anterior end पे ये proboscis present होता है, collar और trunk, ठीक है। Glomerulus जो है that is the excretory organ, filter feeder है ये feeding habitat के वाले से, और body has more than two सेल लेयर टिश्यू और ऑर्गन्स, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने शुरू में भी पढ़ी, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब होता है कि माउथ इज प्रेजेंट एट वन एंड एंड एनस इज प्रेजेंट एट अदर एंड, और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है दैट मे बी स्ट्रेट और यू शेप, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी स्ट्रेट और यू शेप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। Blood flows, does not flow in the blood vessel, open circulatory system, ciliated pharyngeal slits हैं, animal coelomates हैं, true coelomate हैं, और coelom जो है that is divided into three cavities. These are the main characteristics of phylum Hemichordata. अब Hemichordata की classification अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो पिछली स्लाइड गुजरी है ये हेमिकॉर्डेटा की, आपको मैंने बताया ये तीन क्लासेस हैं, एंटीरो न्यूस्टा, टीरो ब्रैंकिया और प्लैंक्टो स्फीरोइडिया। तो उसमें हम आज के दिन में ये जो क्लासेस हैं इनका एक जनरल सा व्यू लेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम एंटीरो न्यूस्टा जिनको कॉमनली या कॉर्न वर्म कहते हैं वहां से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 2 आपका होगा वो क्लास एंटीरो न्यूस्टा से शुरू होगा, लेकिन आज के दिन में आपको मैं हेमिकॉर्डेटा की जो क्लासेस हैं उनके एक जनरल सी आपको कैरेक्टर बता के, ताकि आपका पिक्टोरियल व्यू हो कि क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंटीरो न्यूस्टा कॉर्न वर्म इनको हम कहते हैं, और कॉर्न वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोबोसिस की शेप है दैट रिजेंबल विद द फ्रूट ऑफ कॉर्न। कॉर्न ये देखिएगा, ये उसका प्रोबोसिस है, इसकी शेप जो है ना वो कॉर्न के फ्रूट से मिलती है, सो दे आर कॉल्ड एज अ कॉर्न वर्म। साइज इनका 10 टू 40 सेंटीमीटर है, 70 स्पीशीज है, सुलेटरी है, वर्म लाइक शेप है, बरर्स है, शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन है, प्रेजेंट एट प्रोबोसिस। ठीक है, एग्जांपल्स में इसकी ब्लेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस है, ब्लेनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस ये वाले। ठीक है, ये हमारे पास ब्लेनोग्लोसिस है, और ये दिस वन इज द सैकोग्लोसिस जो इसकी एग्जाम्पल है। इनको कॉर्न वर्म भी कहते हैं, जो इंटीरियर एंड ऑफ पॉइंटेड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं एरो मूव कर रहा हूँ अपना, और यहाँ से भी पिन पॉइंट कर रहा हूँ एरो से, तो दिस इज अ शेप ऑफ अ कॉर्न। कॉर्न को अगर आप गूगल पे लिख के देखें तो इसके फ्रूट की शेप इस तरह होती है, सो दे आर कॉल्ड एज अ कॉर्न वर्म। सेकेंड क्लास इज द टीरोब्रैंकिया। टीरोब्रैंकिया के जो मेंबर्स हैं दे आर क्लोनिकल सॉरी कॉलोनियल एंड फिल्टर फीडर्स। साइज इनका ऊपर वाली कॉर्न वर्म से कम है, 0.1 से 5 mm है। प्रोबोसिस जो है दैट इज शील्ड लाइक, प्रोबोसिस शील्ड लाइक। रिप्रोडक्शन जो है दैट इज थ्रू ब्रीडिंग, डाइशियस है, एक्सटेंडेड फर्टिलाइजेशन में प्रेजेंट होती है। लार्वा दैट इज कॉल्ड एज प्लेनुला लार्वा, लार्वा का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, प्लेनुला लार्वा। एग्जाम्पल में इसकी आ जाएगा हमारे पास रेप्डो पिलूरा, रेप्डो पिलूरा। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले भी ये इनकी डायग्राम दिखाई है, ब्लेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस की। तो अब जो थर्ड क्लास है हेमिकॉर्डेटा की दैट इज प्लैंक्टोस्फीरोइडिया, प्लैंक्टोस्फीरोइडिया, एंड दैट इज ओनली नोन फ्रॉम अ लार्वा ऑफ सिंगल स्पीशीज। एक ही स्पीशीज है जिसके लार्वे को जरा स्टडी किया गया है, दैट इज प्लैंक्टोस्फेरा पेलिजिका।
प्लैंक्टो, स्फेरा, पेलेजिका, ठीक है, ये एक सिंगल स्पीशीज है। इसके लार्वे को स्टडी किया गया है और इनकी जो बॉडी है दैट इज स्फेरिकल, स्प्रिंग शेप्ड है, यू शेप्ड है, जैसे सिस्टम इनका होता है। अच्छा, आपकी बुक में तीन क्लासेस इनकी बताई हुई हैं, ये फोर्थ वन आपकी नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे, दैट इज क्लास ग्रेप्टोलिथिना, क्लास ग्रेप्टोलिथिना। ये अब इसकी इसलिए बुक मैंने दिया हुआ चुका है, ये क्लास एक्सटेंट हो चुकी है, इसका कोई भी सिंगल मेंबर भी अब दुनिया में मौजूद नहीं है ग्रेप्टोलिथिना का, ठीक है, एक्सटेंट क्लास है, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू टीरोब्रैंकिया। जब ये जिंदा थे इनके मेंबर, तो इनके जो मेंबर्स थे दे वर रिलेटेड टू टीरोब्रैंकिया। तो ये हमारे पास जी इसकी हेमिकॉर्डेट्स क्लासिफिकेशन थी, जैसा कि आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया है कि अब हम स्टार्ट जो ना वो नेक्स्ट लेक्चर में ये एंटीरो न्यूस्टा से लेंगे, कॉर्न वर्म्स पढ़ेंगे, फिर टीरोब्रैंकिया, और फिर जो थर्ड क्लास है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, इसमें आपको हेमिकॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन मैंने बताई, हेमिकॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन बताई, हेमिकॉर्डेट्स की, कॉर्डेट्स की, कॉर्डेट्स में से स्पेशली जो सब फाइलम वर्टिब्रेट है उसकी क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताई, ठीक है। उससे पहले हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप स्टडी कर चुके हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम क्लास एंटीरो न्यूस्टा जो वहां से स्टार्ट लेंगे, कौन मम्मी जिनको जनरली कहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।